नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर प्रादेशिक के साथ मैं हूं नरेंद्र भाटी। अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवहन मंत्री कृष्णपाल पवार ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने 13 समस्याएं सुनी, जिनमें से 12 का मौके पर ही निपटान कर दिया। बैठक के दौरान कष्ट निवारण समिति के सदस्य भी अधिकारियों के खिलाफ अपनी समस्याएं रखते नजर आए। इस पर मंत्री जी ने शक्ति दिखाते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी फोन न उठाए या समय पर अपना काम न करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज गवर्नेंस कमेटी अंबाला के अंदर 13 शिकायतें आई थी, 13 में से 12 का निपटारा कर दिया गया है और मैं इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को, कर्मचारियों को और सभी मेंबरों को इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो मत आते हैं उनका निपटारा कर लिया जाता है। नहीं, कई डिस्ट्रिक्टों में पुराने पुराने मत भी चले रहते हैं, लेकिन अंबाला इसके लिए अप्रिशिएट मैंने उनको किया। निर्देश दिए हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, विशेष तौर से पावर के अधिकारियों को खुद अपने सामने, मैंने आपके सामने बोला है कि कोई लाइनमैन है, जेई है, एसडीओ है, कोई भी कस्टमर कोई फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन रिसीव किया जाए। बार बार फ़ोन करने बाद यदि कोई रिसीव नहीं करता है उसकी लिखित में शिकायत आएगी तो डीसी को मैंने कहा है कि उस निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो टेलीफोन अटेंड नहीं करते हैं। दूसरा, 5 महीने पहले कष्ट निवारण समिति की बैठक में आपने आदेश दिए थे कि NYG कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। NYG कंपनी वो कंपनी है जो बिल तैयार करती है। उसके लिए मैंने आज स्पष्ट शब्दों में कहा है, इस बात के लिए खुद भी मान्य है।